डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्रतिशतता पर आधारित क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ तक के स्टूडेंट्स के कोर्स में है, और जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं और डिफरेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल, टेट, पेट, रेलवेज, बैंक, यूपी पुलिस या और छोटे छोटे कंपटीशन हैं, उनमें भी प्रतिशतता पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी राशि का 7% 35 रुपया है, तो वह राशि याद कीजिए। राशि पता नहीं है तो राशि को हम मान लेंगे, लिखेंगे माना वह राशि बराबर यक्स रुपया। हल या सॉल्यूशन, माना वह राशि बराबर यक्स रुपया, लिख लिया। अब क्या करें, प्रश्न में राशि का 7% 35 रुपये के बराबर है, तब लिखेंगे राशि हमने यक्स मान लिया, तो यक्स का 7% बराबर 35। का मतलब होता है मैथमेटिक्स में गुणा, इंटू, क्या लिखेंगे यक्स इंटू 7/100 बराबर 35 के। अब तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7x है, अंश का अंश में गुणा हो जाएगा और 100 का 35 में गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 100 × 35। अब 7 से विभाजित कर देंगे, यानी 7 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 7 से कट जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 × 35/7। 7 × 7, 7 × 5, 35। ऊपर आया 100 × 5, यानी 500 रुपया बराबर 500। तो हमने क्या माना था, वह राशि बराबर 100 रुपया, अतः राशि क्या आ गई, अतः वह राशि बराबर 500 रुपया। बहुत आसान सवाल, इस तरह के इतने भी क्वेश्चन आप ऐसे लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 350 रुपये का 0.5% कितना होगा, तो क्या दिया हुआ है, 350 रुपये का 0.5% बराबर 350 × का मतलब गुणा होता है, 0.5% में प्रतिशत को हटाओगे तो जाएगा 0.5/100। इसके पहले हमने 0.5% या 0.25% यानी दशमलव वाले प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका बताया था, तो आपको यहाँ हमने बदल दिया 0.5/100। अब इसमें हम पहले क्या करते थे, 10 से गुणा करते थे, ऊपर भी नीचे भी, यह सब नहीं काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इससे गुणा हम कर लेंगे, कोई संख्या पहले दी हुई है, इसलिए वो काम आप नहीं करोगे जो पिछले वीडियो हमने बताया था। ये राशि ना होती तब वो काम करना पड़ता आपको, तब 10 से गुणा यहाँ पर भी करते, 10 से नीचे भी करते, मगर यहाँ पर कोई संख्या दी हुई है इसे गुणा करेंगे, दशमलव अपने आप जो है मतलब सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 1010 कट गया, अब 0.5 से 35 में गुणा करेंगे, 5×25 या अभी रहने दें, कट और भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 35 × 0.5/10। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, 5×7 = 35, 5×2 = 10, अब 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7×5 = 35, तो 3.5/2, 2 से भाग दे देंगे, 2×2 = 2, 2×2 = 2, 1 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 15 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 2×7 = 14, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 तो 1.75 हो गया, ठीक है। तो 350 रुपये का 0.5% कितना होगा, 1.75 रुपया हो जाएगा, क्लियर। 3 किलोग्राम, अगला क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 5%
क्वेश्चन में जैसे पूछ रहे हैं वैसे ही आप लिखते जाइए। क्या पूछ रहे हैं? 3 किलोग्राम कितने किलोग्राम का? तो हम मान लेंगे कि माना 3 किलोग्राम x किलोग्राम का 5%। क्या मानेंगे? माना 3 किलोग्राम x किलोग्राम का, x किलोग्राम का 5% है। तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 3 किलोग्राम x किलोग्राम का 5% है। इसको ऐसे लिखेंगे x किलोग्राम का 5% बराबर 3। इस चीज को ऐसे लिखा जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया इसका। तो का मतलब होता है गुणा, तो x इंटू 5/100 इज इक्वल टू 3 के। तो अंश का अंश में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x या 5x ही रहने दो, अपान 100 इज इक्वल टू 3 है तो 3/1 कह सकते हैं इसको। तिरछा गुणा करेंगे तो 5x का 1 में गुणा हो जाएगा और 100 का गुणा 3 में हो जाएगा, 100 × 3 के। तो 5x बराबर आ जाएगा 300, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। फिर 5 से भाग दे देंगे तो 5x या बचेगा यहाँ पर, 5 कट जाएगा तो x बचेगा 300/5 यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ भी 5 से भाग देंगे, यहाँ भी देख 5 से, तो 5 कट जाएगा तो x बचेगा। अब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 करने 5, 5 × 30 = 60 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60। तो कह रहे हैं कि कितने किलोग्राम का 5% है, तो कितने 60 किलोग्राम का जब 5% निकालोगे तो ठीक आ जाएगा ये आंसर केजी। क्लियर? देखो चेक कर लो, 60 का 5% निकाल लो, 60 × 5/100, 0 कैंसिल, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 3 किलोग्राम आ गया। आप क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो वैसे ही। क्लियर? चलिए चौथा क्वेश्चन। किसी राशि का 5% 500 रुपए के, किसी राशि का 5% बराबर है 500 रुपए के 12% के। तो लिखेंगे माना वो राशि बराबर, माना वह राशि बराबर x रुपया। प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न में कह रहे हैं इसे भी लिखा जाता है। किसी राशि का 5% यानी x का 5% बराबर है 500 रुपए के 12%, 500 का 12%। का मतलब गुणा होता है, तो x गुणे 5/100, 500 गुणे इसका को गुणे कर देंगे 12/100। अब देखिए ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 × 5, 5 × 100। तो आ गया x इंटू 1 x हो जाएगा और अपान 20 हो जाएगा बराबर 12/5 = 60। 60 को लिख सकते हो, 60/1 लिख सकते हो। तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा का मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो x इंटू 1 बराबर 20 × 60। x में 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा और 2 × 12 बराबर 12। x की वैल्यू 12 होगी। हमने माना क्या था कि वह राशि बराबर x रुपया, तो अतः लिखेंगे अतः वह राशि बराबर, अतः वह राशि बराबर 1200 रुपये। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लगाओगे और इसी तरह के और क्वेश्चन भी आप लगाओगे तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर?